एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है वेडनसडे और मैं जा रही हूँ, पहले तो ऑफिस जाऊँगी फिर मार्केट जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो रेडी हो चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 9 बजे के आसपास। सो 9:30 बजे मेरी ऑफिस की टाइमिंग है। सो चलिए फिर चलते हैं। मैं टावल हाथ में रखा है, मैं इसे पहले, गर्मी हो गई है पर मैंने स्वेटर पहनी है बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। सो गाइज, पहले तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी और उसके बाद मुझे जाना था आज अपनी फेवरेट शॉपिंग करने, वो है प्लांट्स की। और किसी के सजेशन से मैं जा रही हूँ, यहाँ पहुँच गई थी मैं गवर्नमेंट नर्सरी। गाइज, बहुत अच्छी नर्सरी है और आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे 20 रुपीज़ के प्लांट्स हैं। मैं खुद काफ़ी हैरान हो गई थी क्योंकि जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो 1,600-700 की शॉपिंग करके तो आती हूँ। प्लांट्स बहुत महंगे होते हैं बट यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी वैरायटी थी। मैंने इंडोर प्लांट लिए हैं जो 12 मंथ्स चल पड़े और बहुत सारी वैरायटी थी गाइस इनके पास। और अंकल ने काफ़ी सपोर्ट किया और मैं इनका नंबर भी लेके आई हूँ और बहुत अच्छे प्लांट्स इन्होंने ग्रो किए हैं। ये गवर्नमेंट नर्सरी है इसीलिए प्राइस इनके काफ़ी कम थे। प्लांट्स की थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए और यहाँ मैं आ गई थी गाइस विशाल मार्ट। मुझे लेने थे कुशन बट गाइस मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि इनके अंदर जो फिलर थे वो अच्छे नहीं थे। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद मैं पहुँच गई थी घर और थकावट बहुत हो गई थी, टाइम होने लगा था 6 बजे से ऊपर। सो प्लांट्स ज़्यादा नहीं ले पाई मैं, 5 प्लांट्स लेके आई हूँ, काफ़ी है अभी क्योंकि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। सो गाइस, पहुँच गई हूँ घर और टाइम होने लगा है 6 बजे के आसपास का। हालत देखिए आप कैसी हो गई है। सो चलिए, आज मैं मार्केट गई थी और साथ साथ गई थी हॉस्पिटल। थोड़ा सा कोल्ड हो गया। गई हूँ घर, आवाज़ थोड़ी सी आपको मोटी लग रही होगी। ये देखिए बाल खोले अभी, एक तो पौनी करके गई थी ना तो ऐसे बंद बंद से लगते हैं बाल। सो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं। और सबसे पहले तो मेरा फेवरेट शॉपिंग आज की, आपको पता है नर्सरी गई थी मैं। गाइस ट्रस्ट मी, जो एक गवर्नमेंट नर्सरीज होती है ना, हमारे रामपुर में तो है नहीं इस तरह का। मुझे किसी ने बोला था कि वहाँ पे आप जाना। सो एक्चुअली जहाँ पे मैं गई थी हॉस्पिटल उसी के साथ में था। बहुत अच्छा प्लेस है गाइस और यू कांट इमेजिन 20-20 रुपीज़ के आपको प्लांट्स मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छे लगे मुझे तो। बट मैं ये था कि अकेली गई थी और कोई व्हीकल नहीं था तो मैं ऑटो में आई हूँ तो मैं कुछ एक प्लांट ही लेके आई हूँ। बट यहाँ पे मुझे अभी धीरे धीरे करके ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखने हैं, कम ही रखने हैं। मैं ऐसे प्लांट्स सोच के आई थी कि इनडोर हो। सो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो गाइज, सबसे पहला जो प्लांट है वो मैं लेके आई हूँ, एक्चुअली मैंने लाके ना इस पॉट में रख दिए थे। सो गाइज, ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसमें बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं। मुझे इसका नाम नहीं पता, वैसे मुझे मैक्सिमम प्लांट्स के नाम पता होते हैं बट वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट भी थे और इंडोर प्लांट भी थे। और मैं गई पर्पस से थी कि मैं चाइना पाम लेके आऊँ या एरिका पाम लेके आऊँ बट पाम ट्री मुझे नहीं मिला। मुझे इंडोर के लिए काफ़ी बड़ा सा पाम ट्री चाहिए था बट नहीं मिला मुझे। आपको पता है मैं धीरे धीरे अब होम डेक और मतलब रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। अभी एक रूम मेरा खाली है सो मैं सोच इस रूम के लिए मुझे कुछ एक डेकोरेटिव से पीसीज DIY भी करने थे काफ़ी सारे, आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी तो धीरे धीरे करके ही कर रही हूँ। सो गाइस, पहला प्लांट मैं ये लेके आई हूँ और ये 20 रुपीज़ का है और इसमें देखिए बिल्कुल ये बड निकले हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे फूल निकलेंगे, इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं गाइस और ये जस्ट 20 रुपीज़ में है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो इसके फिर आगे सीड बन जाते हैं। मैं वो प्लांट लेके आई हूँ जो बिल्कुल 12 मंथ्स चलने वाले हैं आपके, 12 महीने जिसको बोलते हैं ना। और मैं लेके आई हूँ गाइस दूसरा प्लांट, एक्चुअली ये देखिए, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता, ये ऐसे ही रहता है ग्रीन, इसे मैं इंडोर लगाने वाली हूँ। बहुत सुंदर है गाइस, देखिए कितना बड़ा है, और ये मुझे जस्ट 20 रुपीज का मिला है। मुझे मतलब गवर्नमेंट नर्सरी में जाके इतना फायदा हो गया, और मेरा इतना मन करा था ना बहुत सारे प्लांट लेने का, जस्ट 20 रुपीज में यार, मतलब नहीं तो मैं नर्सरी से ना मैंने 1000 रुपीज के भी मैंने प्लांट परचेज किए, मैंने 600 के प्लांट भी परचेज किए हैं। और इस तरह के प्लांट अगर आप कहीं और नर्सरी से लेके जाओ तो कम से कम 150 का तो ये इंडोर प्लांट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा शाइनी है। सो ये देखिए कितना बड़ा सा प्लांट है, सो इसे मैं इंडोर लगाने वाली हूँ, ये बहुत सुंदर लगा गाइस मुझे। और ये हो गए 2 प्लांट, अब तीसरा प्लांट गाइस ये देखिए, ये प्लांट है, और ये मैंने क्यों लिया है क्योंकि इसमें लगते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे से फूल। अंकल बता रहे थे ये काफ़ी बड़ा, एक्चुअली वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं ना, कटिंग लगाते हैं इसकी, छोटी छोटी सी कटिंग लगाते हैं और वैसे से प्लांट तैयार करते हैं। तो ये जस्ट 20 रुपीज का पड़ा है गाइस मुझे, ये भी सारे प्लांट 20-20 रुपीज के, और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं पिंक कलर के, तो इसीलिए मैंने ये प्लांट लिया है। सो गाइस ये हो गए 3 प्लांट, और चलिए बात करते हैं बाकी प्लांट्स की। जो प्लांट लेके आई हूँ गाइस वो है शफलेरा का प्लांट, बहुत सुंदर, वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट। बट मैंने गाइस ये आज तक परचेज नहीं करा था, क्योंकि हमेशा जब भी नर्सरी जाती हूँ 250-300 की रेंज में मिलता था, तो मेरा मतलब मन नहीं करता था लेने का। और मैंने ये देखिए 20 रुपीज का लिया है शफलेरा का प्लांट, ये छोटू सी कटिंग है, इसे मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी, और मुझे पता है ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और 12 महीने हरे का हरा रहता है। मुझे इसका कलर इसीलिए पसंद है, हल्का सा येलोइश होता है और हल्का सा ग्रीन। सो ये भी 20 रुपीज़ का है गाइस, और जो लोग सोलन रहते हैं, सोलन वाले मेरे व्लॉग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अगर आपको 20-20 रुपीज़ के प्लांट परचेज करने हैं, और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगी और बता दूंगी कहाँ पे है। बहुत सुंदर है गाइस ये, बहुत ज़्यादा सुंदर, ये जस्ट 20 रुपीज़ का है। तो ये मेरा फेवरेट प्लांट है आज की शॉपिंग में, प्लांट की शॉपिंग में सबसे फेवरेट प्लांट है मेरा। मुझे ऐसे बड़े बड़े मिल रहे थे, और रामपुर में भी हमारे पास ये प्लांट नहीं है, तो मैं इसे अच्छे से ग्रो करूंगी, इसी से कटिंग फिर रेडी करूंगी। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। ये हो गया 4th प्लांट, मैंने बेसिकली 5 प्लांट लिए, 100 रुपीज के 5 प्लांट गाइस, बहुत अच्छी डील है। और गाइस ये है बहुत सुंदर प्लांट, इसे आप इंडोर रख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा लगता है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता। मैंने ये सारे प्लांट सिर्फ इसमें से 2 आउटडोर हैं और बाकी 3 इंडोर हैं, क्योंकि मुझे इंडोर प्लांट्स ज़्यादा पसंद है रखना, आउटडोर भी पसंद है, बट मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि बाहर बालकनी भरी भरी सी लगे, मैं बालकनी में कुछ एक प्लांट्स ही रखूँगी, बाकी मुझे इंडोर पसंद है। बहुत सुंदर है गाइस, इसकी जो लीव्स है ना बहुत प्यारी है। सो ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है। सो वहाँ पे गाइस इसमें बड़े बड़े भी थे, मतलब उनके पास ये उन्होंने एज अ सैंपल तैयार किए हैं छोटे छोटे, बाकी बहुत बड़े बड़े प्लांट थे, तो वो अंकल मुझे दिखा रहे थे कि ये ग्रो करके ऐसा दिखेगा, तो मैं इमेजिन कर रही थी कि कब बड़ा बड़ा होगा। वो बड़े प्लांट काफ़ी बड़े थे, वो भी वो 250-300 की रेंज के थे, बट मैंने सोचा ये भी तो बड़ा होगा ही होगा, तो मैंने इसीलिए छोटे छोटे लिए। और आज मेरे पास कुछ था भी नहीं, वही कल नहीं था, तो मैं फिर ऑटो में गई, तो ऑटो में सारा लाना फिर पॉसिबल नहीं हो रहा था अकेले, इसीलिए मैं 5 लेके आई हूँ। सो गाइस ये भी बहुत प्यारे प्लांट है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सुंदर। इसी के साथ गाइस मैंने और जो चीज ली है वो बहुत सुंदर। सो गाइस नेक्स्ट जो परचेजिंग है वो है ये 2 हैंगिंग प्लांटर। सो ये भी मेरी बहुत प्यारी सी शॉपिंग है, ज़्यादा मैंने ही लिए, जस्ट 2 लिए हैं, क्योंकि बाहर बालकनी में बहुत सुंदर लगते हैं ये, सो आई जस्ट लव इट, बहुत सुंदर है। और ये मुझे पड़े हैं 69 रुपीज के, ये मैंने 2 लिए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ट्रस्ट मी।
बहुत प्यारे हैं। और मैंने लास्ट टाइम चंडीगढ़ से लेके आई थी मैं रामपुर के लिए, तो वहाँ पे ये पड़े थे मुझे 150 के 2 पड़े थे। सो बट ये मैंने विशाल मार्ट से लिए हैं यहाँ सोलन से, तो इसीलिए 799 रुपीज़ के पड़े। और मैंने कलर लिया है येलो, समर के अकॉर्डिंग बहुत ब्राइट लगता है, सो इन्हें मैं बालकनी में लगाऊंगी। तो इसमें मैं हैंगिंग वाले प्लांट सोच रही हूँ लगाने का। रामपुर अभी जा रही हूँ मैं कुछ दिनों में, शायद 20 तक जाऊँ, तो तब मैं घर से लेके आऊँगी, क्योंकि आपको पता है मेरे रामपुर वाले घर में तो कितने सारे प्लांट है, ऐसा लगता है कि पूरी नर्सरी वहाँ पे है। तो वहाँ से भी लेके आऊँगी कुछ एक प्लांट, बट ये प्लांट बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थे ग्रो करके, थोड़ी सी डिफरेंट वेराइटी है। सो ये तो बहुत प्यारे हैं ये भी। सो ये भी गाइस बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई मेरी। सो गाइस बस यही है गार्डन वाली जो शॉपिंग की थी, क्योंकि आपको पता है ये वाले पॉट तो मैं पिछले कल ही मैंने ले लिए थे। सो ये अब मेरे पास हो गए हैं 2 to 4, 5 पॉट्स हो गए हैं गाइस। और आपको पता है प्लांट भी मैं 5 लेके आई हूँ। सो बड़े बड़े पॉट में लगाने वाली हूँ इनडोर सुंदर से प्लांट, और छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी गाइस दूसरे प्लांट। सो बाकी गाइस मैंने ली है थोड़ी बहुत ग्रोसरी, वो भी आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने लिमका लिया है, हस्बैंड को बहुत पसंद है, सो मैं एक ये लेके आई हूँ। और साथ साथ मैंने ली है मैगी, जो एवरी टाइम मतलब जो स्नैक रहता है वो ये है, कभी झटपट से मन हो तो फिर ये लिया है मैंने, और काफ़ी अच्छे प्राइस पे पड़ जाता है। और ये मुझे पड़ा है, ये 2 मिनट मैगी है गाइस, और भी इसमें वैरायटी की, ये मुझे पड़ा गाइस 70 रुपीज़ में, और इसमें 10 पीस है गाइस, ये 10 पीस मुझे 80 रुपीज़ में पड़े हैं। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील। और साथ ही साथ एक लिया है मैंने बड़े काम की चीज़, जिसकी मेरे किचन में बहुत ज़्यादा नीड थी, वो है गाइस ये। सो इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी गाइस, क्योंकि मेरे पास और मेरे आपको पता किचन में मैक्सिमम चीज़ें पिंक पिंक कलर की है। सो सब्जी रखने के लिए काफ़ी दिन से मैं मार्केट गई भी नहीं थी, तो सब्जी रखने के लिए कुछ था नहीं। प्याज टमाटर आलू और इस तरह के बहुत अच्छे होते हैं, चलते भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये मुझे पड़ा है सिर्फ 150 रुपीज़ में। और मैंने आपको बता दूं बाहर मार्केट से लिया था, ओपन मार्केट से, तो वहाँ पे मुझे पड़ा था 250 के अराउंड का, जो मैं एक लेके आई हूँ किचन के लिए, जिसमें मैंने अपने क्रॉकरी आइटम रखे हैं, बट ये मुझे 150 में पड़ा है। तो विशाल मार्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है। और मैं ये लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी सामान हो गया था। एक गाइस मैं लेके आई हूँ शीट मास्क, ये मैं हस्बैंड को लेके आई हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी स्किन केयर करना बहुत पसंद है। सो मैं ये उनके लिए लेके आई हूँ, मैं भी थोड़ा यूज़ कर दूंगी, क्योंकि उसमें इसमें काफ़ी सारा सीरम होता है। सो गार्नियर का है मिल्की सीरम मास्क, लाइट कंप्लीट इंस्टेंट ब्राइटनिंग मिल्की सीरम मास्क। सो ये मुझे पड़ा है गाइज 75 रुपीज़ में, आई थिंक अच्छी डील है। मैंने नायका पे देखा था, नायका पे मुझे 99 के अराउंड और 2150 के अराउंड इस तरह के शीट मास्क पड़ते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो एक मैंने ये लिया है हस्बैंड के लिए, और साथ में लिया है मैंने छोटे छोटे से हींग के पैक, इस तरह के छोटे छोटे से डब्बे, ये बाय वन गेट वन फ्री में थे, तो इसलिए मैंने लिए हैं। और इसके साथ साथ गाइस मैंने एक और आइटम ली है अपने रूम के लिए। अब मैं ये सारी चीज़ें तो मैंने, अब चलो मेरा बालकनी वाला और रूम डेकोर के प्लांट्स भी हो गए, अब मुझे थोड़ी और चीज़ें भी करनी है, वो मैं आगे फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस एक मैंने एक और चीज़ ली है, वो है गाइस ये रग, बहुत प्यारा सा लगा मुझे, और बिल्कुल गुलू गुलू वाला रग है, बहुत सुंदर सा है गाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने ये रूम के लिए लिया है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बैठ के आपको कुछ काम करना पड़े, सो बैठने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बालकनी में भी इसमें बैठ सकते हैं, बालकनी में बिछा के। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये मुझे पड़ा है जस्ट 39 रुपीज़ में, मतलब 40 रुपीज़ का। सो ये भी बहुत अच्छी डील है गाइस, मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल गुलू गुलू वाला। एक बड़ा सा रग देख रही थी रूम के लिए, बट अभी आने वाले मतलब डेज में भी जाऊंगी फिर से, तो तब लेके आऊंगी, और रूम डेकोर की कुछ और चीज़ें भी ले आनी थी। और
मैं सोच रही हूँ मैं अपने रूम के लिए जूट वाली चेयर लेके आऊँ। अब ये मिल नहीं रही है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है तो वो फिर चेयर मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो चलिए, ये थी गाइज मेरी आज की शॉपिंग। आई होप आपने व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। ज़्यादा लंबा नहीं है व्लॉग, छोटी सी शॉपिंग की है। और अभी नेक्स्ट किस तरह प्लांट लगाऊंगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। अभी मुझे मिट्टी भी इकट्ठी करनी है और इन प्लांट्स को कैसे लगाऊंगी, क्या करूंगी, प्रॉपर व्लॉग शेयर करूंगी। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव गाइज। सो गाइज़ ये प्लांट्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। तो अभी इन्हें मैं बाहर रखूँगी बालकनी में और पानी वानी इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने सेट कर दी थी ये ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैंने बहुत अच्छे से ऐड कर दिया है सारी सब्जियाँ वेजिटेबल। काफ़ी दिन से इसकी नीड थी, टाइम नहीं लग रहा था मुझे लेने का, तो इसे भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। चलिए अब बाकी प्लांट्स वगैरह को एडजस्ट करते हैं। So fast that you'll miss it.